शनिवार को दोपहर एक सवारी ऑटो सिवनी मालवा शिवपुर रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आशा कार्यकर्ता शिवपुर से सिवनी मालवा किसी प्रशिक्षण के सिलसिले में आ रही थी। ऑटो में सवार विजय लक्ष्मी यादव ने बताया कि हम चार आशा कार्यकर्ता ऑटो में सवार थे। जैसे ही ऑटो शिवपुर से जाट गुराड़िया पहुंचा, तभी सामने से एक गाय आ गई। उससे बचाने के चक्कर में ऑटो चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और ऑटो पलट गया, जिसमें पांच लोग सवार थे। एक आशा कार्यकर्ता को गंभीर चोट आने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों को इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में चल रहा है। महिला बाल विकास अधिकारी रामकुमार सोनी ने बताया कि इन आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सिवनी मालवा में होना था, इसलिए इन आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पर दुर्भाग्यवश अनहोनी हो गई। शिवपुर में नहर के पास ऑटो पलटने से के बाद इनको चोट लगने पर पेशेंट को लाया गया। कुल पांच पेशेंट को लाया गया है, जिसमें एक पेशेंट को होशंगाबाद रिफर किया जा रहा है, क्योंकि उसका शोल्डर के मतलब फ्रैक्चर आया है। बाकी पेशेंट का अभी उपचार चल रहा है सीएससी। सर, अभी जितनों का प्राथमिक उपचार है, उनकी कंडीशन कैसी है? उनकी प्राथमिक कंडीशन स्टेबल है और उनका उपचार चल रहा है।